नमस्कार कुमार बसंत आसाम नतुन दाभिद मैं सकते स्वागत जानसो ये भिडिओ मैं ता गुरुत्वपूर्ण खबर दीम तार एट जरूरी खबर और बकी दो अति के भल खबर इतना जरूरी खबर तो हाईस्कुल जी 5,744 ग्रेजुएट टीचार पोस्टर कारण सप्तम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रकाश पासी मेरिट लिस्ट जिस नाम एखनको अधिक जिला आईसक 25 जानुरी दिन 10 बजार आगते जिको एन जिला निर्वाचन सूझ दी गति के सूझर पीछते मानने यार पास लिस्ट और जथेष काट अफ कम इतना जिस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करा ना आसलते एन डिस्ट्रिक्ट जो नाम आसे सिलेक्ट ना एखनको अधिक जिला जो निर्वाचित हाईस्कुल ग्रेजुएट टीचारे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट लगे सीट हम एक नम्बर तो खबर दु नम्बर तो खबर जे 1085 जन वेतन वंचित शिक्षक पद नियमियाकरण शिक्षा मंत्री डांगरिया शिक्षा विभाग आयुक्त सचिव निर्देश जारी कर खुबे भल खबर दीर्घ दिन धरी 1085 जन शिक्षक वेतनर पर वंचित मैं अक संक्षेपे कह दीसूँ कांग्रेस सरकार दिनते 2004 सन निजुक्ति लाभ कर 1085 जन अनियमिया शिक्षक सी शिक्षक दरमहा बंध हो और ये सन्दर्भ 18 डिसेम्बर एट शिक्षा सचिव एट निर्देशना जारी कर जारी करदी कार्यकरी हुआ ना और शीघ्र कार्यकरी हम गई आज मैं अपना कौन जे 1085 जन सी 1085 जने वेतनर पर वंचित होप्रेक्षित गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारस्थ हो और प्राथमिक और मजलिया विद्यालय 1085 जन शिक्षक दीर्घदिनिया जी समस्या वेतनर पर वंचित समस्या सी समस्या तो शीघ्र दूरकरण हम तार पास 3 नम्बर तो भल खबर तो दु विचार जे 2005 सन पीछे निजुक्ति पा नियमियाकरण हुआ जिस कर्मचारी सीस पुरनी पेन्शन नीतिर परवर्ते नतुन पेन्शन जी स्कीम आज एन पी एस सिस्टेम पेन्शन पाए आरो हे एनपीएस कर्मचारी ग्रेचुइटी प्रदान सिद्धान ग्रहण करिसे आरो अहोम सरकारर ए सिद्धान कर्मचारी परिषद इतिमध्ये आदरणी जनाइसे ग्रेचुइटी एतो कल पुरोना पेन्शन लाभ करा सकले हे ग्रेचुइटी पाइसिले हेतु रिटायरमेन्टर समय एटा आर्थिक हका हय गतिके ग्रेचुइटी नतुन पेन्शन नीतिर अधीन अर्थात एनपीएस कर्मचारी कारणे ग्रेचुइटीर व्यवस्था नासिल हेहतिया कय जी सदौ कर्मचारी परषदे दाबी जाना आसमर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री जी अनुषित हुआ आलोचना मर्मे यू एन पी एस कर्मचारी अवसरकालीन जी ग्रेचुइटी सी ग्रेचुइटी प्रदान क्षेत्र अनुमोदन जाना ये खुबे भल खबर आज भिडिओ मैं ये खबर दिल और एने गुतवपूर्ण खा खबर पाई थकने कुमार बसंत आसाम यूट्यूब चेनेल तो सबसक्राइब कर भिडिओ भल पाले लाइक शेयर और अपना निजर मतमत जाना कमेन्ट कर धन्यवाद जय आसाम।